नमस्कार, भारत समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा फिलहाल। आप देख रहे हैं हुकूमत 2019। हुकूमत 2019 में आज बात होगी बीजेपी के घोषणा पत्र की। जी हाँ, बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया। लेकिन अगर आप इस घोषणा पत्र को बारीकी से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये घोषणा पत्र 2019 का नहीं बल्कि 2014 का है, क्योंकि 2014 में घोषणा पत्र में जो बातें लिखी गई थी हूबहू उन्हीं बातों को, उन्हीं वादों को दोहराया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ है खास, वो आज हुकूमत 2019 में हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे पुराने हैं और कुछ वादे हैं जो नए हैं। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने एक बार फिर से प्रभु राम को प्रमुखता दी है और कश्मीर से धारा 370 को हटाने का वादा भी किया है। क्या है बीजेपी के घोषणा पत्र में खास, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मिशन 2019 को फतह करने के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में राम पहले भी थे और इस बार भी राम को बीजेपी के घोषणा पत्र में प्रमुखता से रखा गया है। इस बार एक खास बात ये है कि राम के साथ साथ राष्ट्रवाद भी बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कश्मीर से धारा 370 हटाने का वादा एक बार फिर से दोहराया गया है और इसके साथ ही समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा है। ये वो मुद्दे हैं जो हर बार बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा होते हैं और इस बार फिर से हैं। 5 साल बीत गए लेकिन एक भी पुराना वादा पूरा नहीं हो पाया। राम भक्तों की आस्था बीजेपी पर बनी रहे, इसलिए फिर से घोषणा पत्र में राम मंदिर और धारा 370 को बिल्कुल उसी तरह से रखा गया है जैसे पहले था। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि संकल्प पत्र में जनता के मन की बात रखी गई है। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। पीएम मोदी ने कहा कि जो काम अधूरे रह गए हैं उनको 2022 तक पूरा करेंगे। हमने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इस बात का इशारा किया है, विस्तार नहीं किया है, लेकिन हमने जो विस्तार किया है वो इन 5 सालों के लिए किया है और उसमें हमने 2022 आजादी के 75 साल को देश के सामने हमने अपने आप को कटघरे में खड़े कर करके अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रस्तुत किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा हमारा निर्णय है और हमने किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हमने 6 करोड़ लोगों के साथ चर्चा करके संकल्प पत्र तैयार किया है और 75 बड़े संकल्पों के साथ चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि 5 साल में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, देश के इतिहास में ये 5 साल विकास के लिए जाने जाएंगे। 50 करोड़ लोगों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाया है। मोदी सरकार ने देश में अस्थिरता को खत्म किया है और देश महाशक्ति बनकर उभरा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। हमारी अर्थव्यवस्था, जब 14 में जनादेश मिला तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 11वें नंबर पर थी, आज वहां से बढ़कर 5 ही साल में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और द्रुत गति से 5वें नंबर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में राम भक्ति से लेकर राष्ट्रभक्ति तक की बात है। किसानों से लेकर छोटे कारोबारियों का ध्यान रखा गया है, जिससे बीजेपी का विजय संकल्प सिद्ध हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जारी बीजेपी के संकल्प पत्र में कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं। बीजेपी ने कई वादे किए हैं, किसानों की बात की है, राष्ट्रवाद की बात की है, राष्ट्रभक्ति की बात की है और कई ढांचागत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का वादा भी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। ...2019 का सियासी रथ सज चुका है। कोई संकल्प का प्रण ले रहा है तो कोई सियासत का स्वाद चखने के लिए 72,000 का सियासी निवाला जनता को दिखा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के जरिए आने वाले 5 साल में जनता की उम्मीदों को फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचाएगी, इसका खाका खींचा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के चोटी के नेताओं ने पब्लिक के लिए अपना पिटारा खोला। राजनाथ सिंह ने संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विजन डॉक्यूमेंट के रूप में पेश कर रहे हैं। जितने भी हमने संकल्प दर्ज किए हैं उसके माध्यम से हम नए भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है और उनके नेतृत्व की सरकार, इन दोनों के प्रति मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की जनता का विश्वास भी बढ़ा है, और विश्वास ही नहीं बढ़ा है बल्कि देश की जनता का भरोसा भी उनके प्रति बढ़ा है। बीजेपी का संकल्प पत्र इस बार भी राष्ट्रवाद, सेना, आतंकवाद, राम मंदिर और 3 तलाक के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। अपने संकल्प पत्र को जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी, सिटीजनशिप बिल पास किया जाएगा और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी के संकल्प पत्र में कहा गया कि राम मंदिर बनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो वहीं 3 तलाक पर बिल लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में फिर से दोहराई। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए हम न्याय सुनिश्चित करेंगे। अपने 58 पन्नों के संकल्प पत्र में बीजेपी ने किसानों और गरीबों पर भी फोकस किया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, तो वहीं किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले 1 लाख के कर्ज को 5 साल तक ब्याज मुक्त करने का भी वादा किया। इसके अलावा बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया। 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, यह हम फिर से अपने उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं और उस दिशा में हम 5 वर्षों में तेजी से आगे बढ़े हैं। 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा, 0% ब्याज दर पर 1 लाख का वो कर्ज लेंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और कारोबारियों के लिए भी कई बड़े वादे किए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 60 साल के बाद छोटे दुकानदारों को पेंशन, किसानों की आय दोगुनी, अर्थव्यवस्था में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश, देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर जनता का अनुपात 1:1400 करने का भी वादा किया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, यह सिर्फ काम चल रहा है। 75 नए मेडिकल कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस की भी स्थापना की जाएगी। सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों पर टेली मेडिसिन एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी उपलब्ध कराने का भी हम लोगों ने लक्ष्य सामने रखा है। संकल्प पत्र दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में जारी किया गया, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने 2014 से 2019 के बीच के वक्त को देश का स्वर्णिम काल बता दिया। हालांकि इस बार बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बेरोजगारों के लिए नौकरी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, तो वहीं बीजेपी का संकल्प पत्र सेना, राष्ट्रवाद, आतंकवाद और किसान के इर्द गिर्द घूमता दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
बीजेपी ने वादों की झड़ी लगाकर एक बार फिर से जीत का इरादा साफ कर दिया, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र पर विपक्षी हमलावर हैं। कांग्रेस हो, अखिलेश हो या फिर मायावती, सभी बीजेपी के संकल्प पत्र पर हमलावर नजर आए। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में पार्टी ने तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की है, जिनमें किसान से लेकर व्यापारी और राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर जन कल्याण तक शामिल हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ जरूर रखा है। साथ ही पार्टी का घोषणा पत्र देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी काफी जोर देता लगता है। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं, ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड, शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते हो। इस दस्तावेज में जितने भी हमने संकल्प दर्ज किए हैं, उसके माध्यम से हम नए भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। 2022 में हम 75 साल के समय 75 संकल्प लेकर देश की जनता के सामने जा रहे हैं कि 2022 में इतनी समस्या से संपूर्ण रूप से देश को मुक्त करने का वचन लेकर, संकल्प लेकर हम लोगों के सामने जाने वाले हैं। बीजेपी ने वादों की झड़ी लगा दी तो कांग्रेस ने संकल्प पत्र को झूठ का गुब्बारा करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी चुनाव में जो वादे करती है वो पूरे नहीं हो पाते हैं, बीजेपी का घोषणा पत्र साइड पर ही रह जाता है। कि ये जो घोषणा पत्र है ये झूठ बनाम न्याय है, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का गुब्बारा है, ये संकल्प पत्र नहीं है। आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें? फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, देश की जनता खारिज करेगी इस बार, और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार। बीजेपी 2019 में बड़ी जीत की बड़ी तैयारी कर रही है, तो यूपी में भी रैलियों में सोमवार को संकल्प पत्र का मुद्दा छाया रहा। अखिलेश और माया ने अपने अपने तरीके से संकल्प पत्र पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि राजनाथ ने घोषणा पत्र जारी किया और अगली बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। वहीं मायावती ने कहा कि जनता को ठगने और गुमराह करने की बीजेपी ने कोशिश की है। नरेंद्र मोदी भी वास्तव में सही ईमानदार वे गंभीर होते तो फिर अब इन्होंने चुनाव के नजदीक जो भी यहाँ जबरदस्ती के शिलान्यास व घोषणाएं आदि किए हैं, तो इनको ये सभी कार्य या चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे। जो संकल्प पत्र पेश करता है भारतीय जनता पार्टी में, उसको अगली बार टिकट नहीं मिलती। पिछली बार जिसने घोषणा पत्र जारी किया था उसको टिकट नहीं मिली, और इस बार जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनको भी टिकट अगली बार नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए गरीब और नौजवानों को साधने का काम किया था, तो बीजेपी का संकल्प पत्र उनके अब तक के कामकाज के आगे का रोड मैप राष्ट्रवाद के पुट के साथ है। लेकिन वादों पर वाक युद्ध भी शुरू होने से संकेत यही है कि विपक्ष बीजेपी को माहौल नहीं बनाने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हुकूमत 2019 में सियासी सफर आगे भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के घोषणा पत्र में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की गई है। किसानों की बात की गई है, युवाओं की बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है। अब जरा विस्तार से आपको बताते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में किसको क्या मिला है। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कई ऐसे वायदे हैं जो साल 2014 में भी थे और इस बार भी उनको जगह दी गई है। इसके साथ ही कई नए वादे भी जोड़े गए हैं। अब आपको घोषणा पत्र की प्रमुख बातों को ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं।
राम मंदिर निर्माण का वादा, सिटीजनशिप बिल पास कराएंगे, धारा 135 ए हटाने की कोशिश करने का वादा, कश्मीर से धारा 370 हटाने का वादा, कश्मीरी पंडितों की वापसी कराने का वादा, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल कराने का भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से काम करने का वादा भी किया है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, सुरक्षा बलों को पूरी छूट देने का वादा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा, नागरिकता संशोधन बिल पास कराने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके अलावा भी अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में किया है। तो वहीं बीजेपी ने किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया है, तो वहीं 6000 रुपए सालाना आर्थिक मदद देने का भी वादा किया गया है। 60 साल के बाद किसानों को पेंशन देने का वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। किसान सम्मान निधि का विस्तार किया जाएगा, सभी किसानों को सालाना 6000 रुपए मिलेंगे, तो वहीं कृषि क्षेत्र में 25 लाख करोड़ का निवेश भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में देने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने महिलाओं पर भी फोकस किया है, महिलाओं को सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया है, तो वहीं 33% आरक्षण सदन में महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा 3 तलाक को खत्म करने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है, तो वहीं मुस्लिम महिलाओं को उनको न्याय देने का भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में निकाह हलाला प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का भी वादा किया है, तो वहीं कारोबारियों के लिए छोटे दुकानदारों को पेंशन मिलेगी और राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करने का भी वादा किया है। बीजेपी ने व्यापार के लिए 2022 तक रेल पटरियों का विद्युतीकरण, आधारभूत संरचना को विकसित किया जाना, अर्थव्यवस्था में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं देने का भी वादा किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र खोलने का और 75 मेडिकल कॉलेज देश भर में खोलने का वादा भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। इसके अलावा डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाने का वादा बीजेपी ने किया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में 200 नए केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण की बात कही गई है, तो वहीं नवोदय विद्यालयों का निर्माण भी किए जाने की बात बीजेपी के संकल्प पत्र में है। 2024 तक डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करने और स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम शुरू करने का भी वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। फिलहाल बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। सबका साथ सबका विकास की थीम पर बने इस घोषणा पत्र के जरिए फिर एक बार मोदी सरकार के सपने के साथ मोदी सरकार जनता के बीच में है। घोषणा पत्र में कई वादे पुराने हैं तो कई नए हैं। अब जनता इन वादों पर कितना यकीन करती है, इसका चुनाव परिणाम तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था कि रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन 5 सालों का वक्त बीत गया, राम भक्तों से किया गया वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। 2014 के मैनिफेस्टो में भी राम भगवान का जिक्र था और एक बार फिर से 2019 के घोषणा पत्र में राम भगवान का जिक्र है। बोलो राम मंदिर कब बनेगा, पूछे राम भक्तों से अयोध्या, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए, आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। ये वो आवाज है जो पिछले 5 सालों से मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर राम मंदिर बनेगा कब, और सरकार राम भक्तों को गोलमोल जवाब देकर टालती रही है।
कभी संविधान के दायरे में मंदिर निर्माण का आश्वासन दिया गया तो कभी आपसी समाधान से मंदिर निर्माण का रास्ता निकालने की बात कही गई। लेकिन जिस मुद्दे को उठाकर बीजेपी दो सीटों से 282 सीटों तक पहुंच गई, वो वादा आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ। और राम भक्त मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राम मंदिर कब बनेगा। बोलो राम मंदिर कब बनेगा, पूछे राम भक्तों से अयोध्या। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और इसके बाद भाजपा ने हिंदुत्व की विचारधारा को धार देते हुए अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी के लिए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का काम किया और इसका राजनीतिक लाभ भी भाजपा को मिला। 1984 में बीजेपी को सिर्फ दो सीटें मिली थी, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे के सहारे बीजेपी दो सीटों से 282 सीटों पर पहुंच गई। जिन राम भक्तों ने बीजेपी का हर समय साथ दिया, उनकी 2014 में मोदी सरकार से उम्मीद बढ़ गई कि अब राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 5 साल और बीत गए और फिर से राम मंदिर के बजाय बीजेपी के घोषणा पत्र में ही हैं। राम भक्त कहते रहे कि अयोध्या में पार्षद से लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री बीजेपी का है, तो फिर राम मंदिर बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है। अब तो राम भक्त बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। चुनाव आ गया, इनके बहुत से नेता कह रहे हैं कि राम हमारे आस्था में है, राम है, इसलिए राम को हम नहीं छोड़ेंगे, राम मंदिर को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए राम मंदिर के नाम ले रहे हैं। और ये भी उनको पता है कि राम मंदिर न बनने के कारण से भक्तगण नाराज हैं, तो इनके वोट के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए फिर ये दे रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। अगर वो संविधान का दायरा लांघती है तो उसे विपक्षी दल घेरना शुरू कर देंगे, और अगर संविधान के दायरे में रहती है तो मंदिर निर्माण में देरी होगी, जिससे बीजेपी का बेस वोटर नाराज हो जाता है। इसलिए जिस तरीके से 2014 में मंदिर निर्माण का वायदा किया गया था, बिल्कुल उसी तरह की लाइनें फिर से घोषणा पत्र में रख दी गई। राम भक्तों से एक बार फिर वादा किया गया है कि संविधान के दायरे में रहकर मंदिर निर्माण की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। फिलहाल राम भक्तों के पास भी कोई दूसरा विकल्प है नहीं। मंदिर भले ही न बन रहा हो, लेकिन कम से कम बीजेपी राम मंदिर की बात तो कर रही है, और बीजेपी को भी पता है कि राम भक्त तो अपने हैं ही, ये कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए बीजेपी को पता है कि राम जी फिर से बेड़ा पार लगा देंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। राम जी करेंगे बेड़ा पार। हुकूमत 2019 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताजा खबरों के लिए आप बने रखिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। We'll be right back.